मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले के नांदनेर में आयोजित कार्यक्रम में 127 करोड़ 70 लाख लागत से 7 सड़कों के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नांदनेर में महाराणा प्रताप जी की विशाल प्रतिमा स्थापित करने, 2 मंगल भवनों का निर्माण समेत अन्य विकास कार्य कराने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले के ग्राम जोनतला में 10 सड़कें, 1 बाउंड्री वॉल, स्वागत द्वार निर्माण समेत 41 करोड़ 16 लाख लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जोनतला से बचपन की यादें जुड़ी हैं, यहां आकर मन प्रसन्न हो गया। यहां के तालाब का सौंदर्यीकरण कर उसे भव्य रूप प्रदान किया जाएगा, जोनतला को आइडियल विलेज बनाएंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले के ग्राम सिया गहन में आयोजित यज्ञ में सहभागिता की एवं यज्ञ स्थल पर उपस्थित पूज्य संतों को फूल माला पहनाकर स्वागत किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन जिले के ग्राम गूगलवाड़ा में आयोजित शत चंडी महायज्ञ में सहभागिता की। मुख्यमंत्री जी ने गूगलवाड़ा के तालाब का सौंदर्यकरण समेत अन्य विकास कार्य कराने का ऐलान किया। सीएम श्री चौहान ने वीसी के माध्यम से देवास, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, बैतूल, धार एवं सागर जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 1998 जोड़ों के सामूहिक विवाह सम्मेलन को संबोधित कर वर वधू के सुखी जीवन की कामना की। सीएम श्री चौहान ने कहा कि वर वधु दोनों स्नेह और प्रेम से रहना, हमारी संस्कृति में विवाह दो आत्माओं का पवित्र बंधन है, जन्म जन्म का साथ है। विवाह में वर वधु के साथ दो परिवार और समाज भी जुड़ता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अपने प्रतिदिन पौधरोपण के संकल्प के क्रम में श्यामराज स्थित उद्यान में आम, जामुन और पीपल के पौधे लगाए। उनके साथ बकरी छाप एग्रो टूरिज्म के संस्थापक श्री रूपेश राय समेत अन्य लोगों ने भी पौधरोपण किया। मंत्री श्री रामकिशोर कावरे ने परसवाड़ा के लामता में उप तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।